इमेजिन करिए कि आप एक बीच पर, एक ओशन के किनारे आप खड़े हैं और आप लहरों को भी देख रहे हैं, साथ ही साथ अपने पैरों के नीचे रेत को भी महसूस कर रहे हैं। साउंड्स अमेजिंग राइट? लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके पैरों के नीचे वो रेत नहीं, वो लहरें ही हैं, वो वही लहरें हैं जो आप अपने सामने देख रहे हैं, जो कि अभी सिर्फ आपके पैर रखने भर से इंडिविजुअल रेत के पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। साउंड्स कन्फ्यूजिंग। चलिए इसी बात को समझने के लिए मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ टेंट्रेशियम के क्वांटम फिजिक्स सीरीज़ के नए एपिसोड, जहाँ हम चलेंगे क्वांटम फिजिक्स के ऐसे मेस्मराइजिंग वर्ल्ड में, जहाँ यूनिवर्स के टाइनीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे यूनिवर्स की रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग को तोड़ती भी हैं और चैलेंज भी करती है। और आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जैसे एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को, जिसने हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स के बारे में उसे तोड़ डाला। लगभग एक सेंचुरी पहले इस कॉन्सेप्ट ने इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों का दिमाग खराब किया कि उन लोगों ने इसको एक डिस्कवरी तक मानने से इनकार कर दिया। लेकिन चिंता मत करिए, ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। इस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने से पहले वेव और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स लोकलाइज्ड होते हैं, कहने का मतलब कि पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक पोजीशन पर होती हैं स्पेस में एट एनी गिवन टाइम। पार्टिकल्स के पास मास होता है और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज भी कैरी करती हैं। पार्टिकल्स की एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी होती है, जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं। और अब बात रही वेव्स की प्रॉपर्टी की, तो वेव्स, जैसा कि हम लोग वेव्स वर्ड से ही दिमाग में जैसा ख्याल आता है कि वो फैलती हैं, वो फैल जाती हैं और प्रोपगेट करती हैं स्पेस में और इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाती हैं। मल्टीपल वेव्स एक दूसरे से ओवरलैप कर कर कंबाइन हो सकती हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेव्स बना सकती हैं और पैटर्न्स बना सकती हैं। वेव्स डिफ्रैक्शन जैसे प्रॉपर्टी शो करती है, यानी कि किसी भी ऑब्स्टेकल के अराउंड ये मुड़ सकती हैं। ये इंटरफेरेंस को भी शो करती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो या दो से अधिक वेव्स एक दूसरे से मिलकर इवॉल्व हो जाती हैं, या मैं कहूँ बढ़ जाती हैं, या मैं कहूँ कि उन लोगों का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पर दो या दो से अधिक वेव्स मिलती हैं और उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। वेव्स की एक वेल डिफाइंड पोजिशन नहीं होती है जैसे कि पार्टिकल्स की होती है, ये स्पेस में किसी भी एक रीजन के अक्रॉस में मौजूद होते हैं। सुनने में ये दोनों ही पार्टिकल्स और वेव्स एक दूसरे से कितने अलग लगते हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ इमेजिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ना। लेकिन क्वांटम फिजिक्स बोलती है ऐसे कैसे? क्वांटम वर्ल्ड में दोनों ही, यानी कि पार्टिकल्स और वेव्स, एक बिजार प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करती हैं, नोन एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, जिसका कहना ये है कि दोनों वेव्स और पार्टिकल्स एक दूसरे की प्रॉपर्टी शो कर सकती हैं, यानी कि वेव पार्टिकल की प्रॉपर्टीज और पार्टिकल वेव्स की प्रॉपर्टी शो कर सकती है। हाउ स्ट्रेंज है ना, ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस पर एक दूसरे की प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं। चलिए इसे विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इमेजिन करिए कि आप एक डांस कॉन्सर्ट में, जहाँ पर कई सारे डांसर्स स्टेज पर डांस कर रहे हैं और हजारों लोग डांस और म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। सडनली एक स्पॉटलाइट पड़ती है एक सिंगल डांसर पर, उन कई सारे डांसर्स में से, जो कि स्टेज पर ग्रेसफुली डांस कर रही थी। इस सिनेरियो में वो डांसर पार्टिकल लाइक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है विद अ डिस्टिंक्ट पोजीशन, जब उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है स्पॉटलाइट के प्रेजेंस में। अब स्पॉटलाइट बंद करते हैं और सारे डांसर्स को देखना शुरू करते हैं और ये इमेजिन करते हैं कि हर एक डांसर के साथ एक एनर्जी वेव जुड़ी हुई है, जो कि निकल रही है उनके डांस मूवमेंट्स की वजह से। और ये वेव्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है, जैसा कि हम लोगों ने वेव की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। इस एग्जांपल में डांसर पार्टिकल लाइक बिहेवियर को एग्जिबिट करती हैं बाय एग्जिस्टिंग एज ए इंडिविजुअल एंटिटी एंड
हैविंग ए डिस्टिंक्ट पोजीशन जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है स्पॉटलाइट की प्रेजेंस में, और वेव लाइक बिहेवियर को शो करती हैं जब वो एनर्जी वेव निकाल रही होती हैं अपने डांस मूवमेंट्स की वजह से, जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही होती हैं। ये पार्टिकल और वेव करेक्टरिस्टिक्स का फ्यूज़न वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के एसेंस को दर्शाता है। तो क्या हम जानते हैं कि क्यों और कैसे पार्टिकल्स वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी शो करती हैं? इसका आंसर इतना आसान नहीं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्वांटम मैकेनिक्स की एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, लेकिन वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के पीछे का रीज़न कि पार्टिकल्स वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्यों शो करती हैं, ये अभी भी रिसर्च और डिबेट का एक टॉपिक है। भले ही हमारे पास मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है इस फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि श्रोडिंगर इक्वेशंस और क्वांटम फील्ड थ्योरी, लेकिन इसके पीछे की कॉन्सेप्चुअल और फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग कि क्यों पार्टिकल्स ऐसी बिहेवियर को एग्जिबिट करती हैं अभी भी इवॉल्व हो रही है। कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, जैसे कि पार्टिकल्स के पास वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ नहीं होती सच एज पोजिशन एंड मोमेंटम जब तक उन्हें मेज़र ना किया जाए, बल्कि वो एग्जिस्ट करती हैं सुपर पोजिशन के स्टेट में, जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है वेव फंक्शन से, विच डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन डिफरेंट स्टेट्स अपॉन मेजरमेंट। यही प्रोबेबिलिस्टिक नेचर लीड करती है वेव लाइक बिहेवियर को जब उन्हें एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किया गया। अब किसी और इंटरप्रिटेशन की बात करें तो वो इन्वॉल्व करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, जो कि नील्स बोर ने प्रपोज किया था, अकॉर्डिंग टू विच पार्टिकल वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों ही तरह के बिहेवियर को एग्जिबिट करती हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं किसी भी एक्सपेरिमेंट में। ये आइडिया सजेस्ट करता है कि चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिटरमाइन करती है कि हम वेव लाइक बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे कि पार्टिकल लाइक बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट का काम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। मेजरमेंट करते ही वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाती है, जिससे पार्टिकल्स फोर्स्ड हो जाते हैं कि वो खुद को एज अ लोकलाइज्ड एंटिटी के रूप में डिटरमाइन करें, जैसे कि क्लासिकल पार्टिकल करती है। ये तो है कि हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क हैं और एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने के लिए भी, लेकिन इसके पीछे का फंडामेंटल रीज़न कि पार्टिकल ऐसा बिहेवियर क्यों एग्जिबिट करती हैं, ये अभी भी फिलोसफिकल इंक्वायरी और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का एक टॉपिक है इन द रियल्म ऑफ फिजिक्स। खैर, ये तो बात रही केवल वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की। आने वाले वीडियोस में और भी ज़्यादा डीप में अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। रियलिटी के हर पर्सपेक्टिव को समझने के लिए टेंट्रेशियम को ज्वाइन करिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, वो भी जल्दी ही। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप रीचिंग फॉर द स्टार्स।